सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार एक और वीडियो के साथ आ गया हूँ और इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं जो ये अभी FFIC का इवेंट आया था, इसके अंदर जो PKM टीम का इवेंट है, इसके अंदर आपको कौन सी टीम चूज करनी चाहिए जिसके लिए आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और भाई तो यार इस वीडियो में मेरे को बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 5 to 7 hours अपने यूज़ किए हैं, क्योंकि यार मैंने बहुत सारी रिसर्च की है इसके ऊपर। मैंने सारे टूर्नामेंट्स को देखा और जो इवेंट्स थे उनको देखा मैंने, और जो भी वीडियोस थी इनके ऊपर, जो वेबसाइट्स के रिलेटेड इनसे टॉपिक था कि कौन सी टीम कैसे परफॉर्म कर रही है और किस पॉइंट पे चल रही है, तो मैंने वो सब कुछ देखा। उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि जिससे कि आपको यार 100% आपको रिवॉर्ड्स मिल पाए। तो भाई लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि इसके अंदर अपन आप लोग ये मत करना कि यार ये टीम नहीं जीती तो तूने गलत बताया, क्योंकि यार कोई भी इवेंट 100% फिक्स तो होता नहीं कि जिससे कि मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी टीम ही जीतेगी। लेकिन इसके अंदर मैं 80% आपको श्योरिटी दिला सकता हूँ कि आप इस टीम को चूज करोगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि यार जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप टूर्नामेंट देखते होते हो तो आपको पता होगा कि किसी भी पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बता सकता। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो जैसे कि अपन गेम के अंदर आ जाते हैं और इवेंट के अंदर जाते हैं, तो ये ना, हाँ तो भाई ये इवेंट आ गया अपना, डेली मिशन से फिर अपन को इस PKM में जाना है। तो पहले बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं, मतलब कौन कौन सी ये चॉइसेस हैं जिनके अंदर एक टीम जीत सकती है। तो सबसे पहला है चैंपियन। चैंपियन से क्या समझते हो आप लोग? चैंपियन से अपन समझते हैं कि ये जो टूर्नामेंट है इसको पूरे को कौन जीतेगा। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी फेवरेट टीम है, या फिर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी टीम चूज़ करनी चाहिए। सेकंड है सेकंड प्लेस के लिए, कि कौन इसमें सेकंड प्लेस पे आएगा इस टूर्नामेंट में। फिर आता है अपना किल्स, कौन सी टीम सबसे ज़्यादा किल्स करेगी, इसका मतलब ये है। और फिर है फर्स्ट ब्लड, तो जो भी ये टूर्नामेंट के मैचेज होंगे इनके अंदर सबसे ज़्यादा फर्स्ट ब्लड कौन करेगा वो इस टीम के लिए है। तो अपन चलते हैं फिर आता है अपना PTS in RD। भाई ये क्या है? तो भाई लोग ये मेरे को नहीं पता, तो आप कमेंट करके बता देना, इसके ऊपर भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। लेकिन उसके बाद आता है अपना बुया, तो बुया का मतलब है सिंपली कि कौन सी टीम बुया करने वाली है गेम के अंदर। तो जैसे कि अपन आते हैं, और उससे पहले मैं आपको टीम दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी टीम्स हैं जो फाइनल्स के अंदर पहुँच चुके हैं। पहले आते हैं 4Unknown, फिर आता है टोटल गेमिंग ई-स्पोर्ट्स, और फिर आता है जो स्टेलवर्ड्स ई-स्पोर्ट्स। तो भाई ये है अपना सिक्स्थ सेंस टीम थी, वो है, इन्होंने अपना नेम चेंज कर दिया, पहले इनका नेम था सिक्स सेंस, तो इसके ऊपर डाउट मत करना। फिर है अपना क्रिटिकल एक्स, फिर ओल्ड स्कूल, फिर द म्यूटेंट्स, ऑप्टिमम, GZ आर्मी, फिर अपने स्काईलॉर्ड भाई का चैनल क्या स्पोर्ट्स, डायनादर डे, फिर टीम लावा है, और फिर टीम KS, फिर द टीम डॉक्टर। तो भाई ये 12 टीम्स हैं जो कि फाइनल्स के अंदर बैटल करेंगी। तो अपन देखते हैं कि कौन सी टीम को अपन चूज करेंगे। तो भाई लोग ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर मैं आपको सिंपली सिर्फ 3 टीम्स के बारे में बताऊंगा जो कि आप तीन टीम्स को सेलेक्ट कर पाओगे इस वीडियो के अंदर। अगर इस वीडियो में अच्छे व्यूज़ आए और आपने सपोर्ट दिखाया तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। तो भाई पहली बात तो इसके रिवॉर्ड्स क्या हैं, जैसे कि अगर आपने सही जो प्रिडिक्शन कर लिया तो आपको ये 30 टोकन्स मिलेंगे, और इनसे फिर आप ये रिडीम कर पाओगे। ये देखो, ये आप रिडीम कर पाओगे, ये जो बंडल हुआ, फिर क्रेट्स हुई, पैराशूट हुआ, इन सबको आप रिडीम कर पाओगे। तो अपन आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो भाई लोग जैसे कि है फर्स्ट पे अपना चैंपियन, तो चैंपियन के लिए मैंने सेलेक्ट किया है ओल्ड स्कूल। तो भाई लोग ये मैंने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि जितने भी मैंने अभी तक के टूर्नामेंट्स देखे, जो भी और भी जो अलग से टूर्नामेंट्स होते हैं उनके अंदर देखा, तो भाई ओल्ड स्कूल सबसे बेस्ट काम कर रही है। अभी के भी अगर आप टूर्नामेंट्स जाके देखोगे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देखोगे कि ओल्ड स्कूल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इसके चांसेस हैं कि ये चैंपियंस में आ जाएगी। और जैसे कि मैं आपके सामने ये कुछ जो टूर्नामेंट्स के रिजल्ट्स हैं वो भी आपके सामने दिखा देता हूँ कि कौन सी टीम कहाँ पर रही है। सो वो मैंने कर दिया, और फिर फर्स्ट के अंदर आपको ओल्ड स्कूल चूज़ करना है। और अगर आपका भी कोई सजेशन हो कि आपको कौन सी टीम के ऊपर लगता है कि वो जीतेगी, तो कमेंट के अंदर बताना मत भूलना। और फिर आता सेकंड प्लेस के लिए, सेकंड प्लेस के लिए मैंने चूज़ किया है ऑप्टिमम ई-स्पोर्ट्स। तो भाई इसको आप चेंज भी कर सकते हो अगर आपको बाद में लगे, क्योंकि हर दिन यार चेंज होता है, अगर आपको लगे कि नहीं इस बार ये टीम जीतेगी तो आप सिंपली चेंज कर सकते हो कोई भी से, अगर आपके पास ये ब्रॉन्ज टोकन है तो।
तो इसके लिए फिलहाल तो मैंने किया है ऑप्टिमम ईस्पोर्ट्स को। तो यार ये भी टीम बहुत ही अच्छी काम कर रही है फिलहाल के लिए, और इसकी जगह मैं अगर चूज़ करूँगा तो फिर टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स को करूँगा, क्योंकि यार वो भी अज्जू भाई की ईस्पोर्ट्स है। अज्जू भाई नहीं खेल रहे लेकिन फिर भी मेरे को विश्वास है कि वो भी कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आप वो चूज़ कर सकते हो। फिर अपन आते हैं किल्स के ऊपर। तो भाई लोग किल्स के ऊपर कौन सी टीम चूज़ की जाए, तो भाई किल्स के ऊपर अपन चूज़ करने चाहूँगा मैं। अभी मेरे पास टोकन नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप कौन सी टीम चूज़ करो। फिलहाल आपको चूज़ करनी चाहिए क्रिटिकल एक्स। तो यार ये बहुत ही एग्रेसिव टीम है, मतलब मस्त खेलते हैं ये बंदे, और है ना ये किल्स पे भी बहुत फोकस रखते हैं। और इसके लिए आपका दूसरा ऑप्शन है टीम लावा। टीम लावा और क्रिटिकल एक्स में से आप कोई भी टीम चूज़ कर सकते हो, अगर आपको पसंद आए जो भी आपको अच्छा लगे वो कर देना। तो आज के लिए मैंने आपको तीन बता दिया है कि आपको कौन कौन सी टीम सेलेक्ट करनी है। और भाई लोग इसका मैं अगर सेकंड पार्ट चाहते हो तो इस वीडियो को प्यार दिखाना, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे इवेंट के अंदर अभी कौन सी डेट होगी, अभी डेट होगी ये शायद 10 अक्टूबर है, तो जैसे अभी कितने दिन है 8 डेज है, तो मैं अगर इसमें कुछ चेंजेस हुए तो मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई इशू ना आए और फिर आप चेंज तो कर ही सकते हो इसको आपकी टीम को। तो मैं इसके ऊपर डेली वीडियोज़ और टूर्नामेंट्स देखता रहता हूँ कि यार कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको सारे रिवॉर्ड्स मिल पाए। तो यार वीडियो को शेयर कर देना यार अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत मेहनत लगी यार पूरे दिन से, मैं टूर्नामेंट्स और इवेंट्स को देखते जा रहा हूँ। फिर जाके मैंने पूरा उनका सर्वे किया कि कौन सी टीम अच्छा खेल रही है, उसी बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। अगर कोई चेंजेस हुए तो मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो बना के। और सेकंड पार्ट के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है, क्योंकि यार मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, कितना मेहनत लगती है यार इसमें, मतलब पूरे दिन से मैं आज टूर्नामेंट्स देख रहा हूँ। तो भाई लोग वीडियो लोगों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये आपको करना ही करना है।